इसके ऊपर चीटे वीटे भी लग रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है देख सकते हैं, बहुत दिन बाद आया है। देख सकते हैं आंधी काफी जोरों से चल रही है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं कितनी तेज यहाँ पे आंधी चल रही है। एकदम धूल उड़ रही है चारों तरफ से, देख सकते हैं दिख नहीं रहा है। काफी तेज हवा चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है कि नहीं। ये देख सकते हैं कितनी तेज यहाँ पे हवा चल रही है, धूल काफी उड़ रही है। अभी कुछ ही देर में अब यहाँ पे बारिश भी होने वाली है। देख सकते हैं पूरे बादल यहाँ पे घेर चुके हैं चारों तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे आगे आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। और अभी जैसे ही आंधी शांत होती है वैसे ही जाके अभी हम लोग वहाँ बगीचे में से आम भी बीनने जाऊंगा मैं। देख सकते हैं काफी तेज यहाँ पे आंधी चल रही है। तो नीचे लेके चलता हूँ मैं आपको अब यहाँ से। तो गाइस देख सकते हैं मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे अब बारिश भी होना शुरू हो चुकी है। और वहाँ वाले बगीचे में से छोटे लड़के गए थे आम बीनने के लिए, और बारिश आई तो सब लोग अब घर पे भाग रहे हैं। और आंधी और पानी दोनों साथ में आ चुका है यहाँ पर। देख सकते हैं कितनी तेज यहाँ हवाएं चल रही है। जैसे ही भी बारिश बंद होती है तो लेके चलते हैं फिर बगीचे में आपको। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश अभी तक रुकी नहीं है। जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही लेके अभी मैं बगीचे में जाऊंगा आम बीनने के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी बारिश में ही आम बीन रहे हैं और हवा काफ़ी चल रही है, तो अभी मैं नहीं गया हूँ। जैसे बारिश बंद होगी तो जाऊँगा, देखते हैं आम मिलता है कि नहीं। देख सकते हैं बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो नीचे का था वो डूब चुका है आधा। गाइस देख सकते हैं बारिश बंद हो चुकी है और यहाँ पे पूरा पानी डूब चुका है यहाँ पर। और चलते हैं बगीचे में, देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे पूरा पानी डूब चुका है। आपको दिखाता हूँ मैं कितना पानी यहाँ पे अभी डूबा है। वाओ, देख सकते हैं मेरा पाँव इतना घुस गया है, पूरा एक घंटे में इतना पानी डूब गया है यहाँ पर। और देख सकते हैं वहाँ पर एक पेड़ की डाल भी गिर चुकी है। हवा क्योंकि काफ़ी तेज चल रही थी तो वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ की डगाल भी गिर चुकी है। और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे चारों तरफ। देख सकते हैं पानी पानी हो गया, बारिश काफ़ी तेज हुई है। हवा काफ़ी तेज थी तो उसकी वजह से एक डाल भी यहाँ पे टूट के गिर चुकी है, देख सकते हैं आप। तो चलता हूँ अभी फिर यहाँ से बगीचे में और देखता हूँ कितने आम गिरे वहाँ पर। और देख सकते हैं आसमान भी यहाँ पे अब खुल चुका है, जितनी बारिश होनी थी अब हो चुकी है और पानी हो चुका है अब चारों तरफ, देख सकते हैं। धान के लिए जो बहन पड़ी थी उसमें तो पूरा पानी डूब चुका है, देख सकते हैं पूरा ऊपर तक पानी यहाँ पर डूब चुका है। अभी इसमें से पानी काट के निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा जो इसका बीज है वो ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले चल के मैं इस पेड़ का आम बीन लेता हूँ, क्योंकि ये पेड़ जो है वो बगीचे से अलग है, तो इस पेड़ की जो डाली है वो काफ़ी मजबूत है तो इसके जल्दी आम गिरते नहीं हैं। तो यहाँ पे पके आम गिरे हुए हैं, देख सकते हैं आप, तीन चार आम यहाँ पर गिरे दिख रहे हैं एकदम पीले पीले पके पके। तो अभी चलता हूँ पहले अब वाले बगीचे में भी आम बीन लेता हूँ, देख के और कितने आम गिरे हैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से चल देता हूँ सीधा। तो गाइस यहाँ पे पाँव जो है मिट्टी में धंस रहा है क्योंकि बारिश काफ़ी हो चुकी है। गाइस उस पेड़ के पास से अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे आम गिरे हुए हैं नीचे। और देख सकते हैं यहाँ पे ये पके आम हैं जितने भी हैं। इस पेड़ का जो आम है छोटा ही होता है, तो अभी जो दूसरे पेड़ हैं यहाँ पर उनके नीचे भी बहुत सारे आम गिरे हुए हैं और यहाँ पे बहुत आम है। और ये देख सकते हैं बारिश में फेंक कर यहाँ पे एक चिड़िया है, देख सकते हैं एकदम गीली हो चुकी है और इसको ठंड लग रही है, तो इसको तो अभी मैं देखूँ क्या कर सकता हूँ इसके लिए। एकदम ये पूरी भीग चुकी है, देख सकते हैं बारिश में ठंड लग रही है इसको शायद।
काटे ना मेरे को, शायद भीगने के कारण इसको ठंड लग गई है। इसके ऊपर चीटे वीटे भी लग रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा। इसको घर पे लेके चलता हूँ पहले मैं सबसे, ये डर लग रहा है, चीटा लगा हुआ है इसके ऊपर। गिर गई वो पूरी तरह से, भीग चुकी है एक, देख सकते हैं एकदम। ये चिड़िया का बच्चा है गाइस, और ये लगता है कि अपने घोंसले में से गिर चुका है। और अभी यहाँ पे शायद चिड़िया भी, यहाँ पे देख सकते हैं आली उड़ रही है, तो अभी चिड़िया शायद इसको लेने के लिए आएगी। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूँ। तो अभी चिड़िया थी जो इसको ढूंढ रही थी, अभी देख सकते हैं वहाँ पेड़ पे बैठी हुई है चिड़िया। तो गाइस देख सकते हैं आली चिड़िया आ चुकी है उसके पास, लगता है इसकी माँ है। और तो मैं इसको अब घर पे नहीं ले जाऊंगा, तो यही देखते हैं जो करना कर सकेगी। तो अब मैं चल के आम बीन लेता हूँ जो उसके हैं बगीचे के पूरे, और अभी मैं इसके पास से दूर चले जाता हूँ क्योंकि मुझसे डर रही है ये। तो गाइस वहाँ पे चिड़िया जो है वो अपने बच्चे को लेके जा चुकी है अपने घर, तो अब मैं भी अपने घर पे जाता हूँ। पूरा आम भी मैंने अब बीन लिए हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत बचे हैं बस। तो गाइस मैंने यहाँ पे आम उठा के रखे हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप, इसमें छोटे बड़े आम हैं यहाँ पर, तीन चार पेड़ के, और पूरे पेड़ में आम नहीं आए थे। तो अब चलता हूँ मैं घर। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये पेड़ की डाल भी टूट के गिर चुकी है, और पता चला है पड़ोसी के घर पे, हमारे पड़ोस में उनकी जो झोपड़ी रखी हुई थी घर के सामने वो भी गिर गई है। तो चल के दिखाता हूँ आपको। और आम जो बीना था वो घर पे पहुंचा चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ से डाल टूट के गिर चुकी है, हवा इतनी तेज थी। और अभी चलता हूँ पड़ोसी घर पे, यहीं खेत में से चलता हूँ डायरेक्ट। देख सकते हैं चारों तरफ पानी पानी डूबा हुआ है, और गांव में हर साल ऐसे ही आंधी आती है, तो ऐसे ही सब जगह कुछ ना कुछ टूटते गिरते रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे झोपड़ी थी, ये भी गिर चुकी है। यहाँ पे हर साल बारिश में ऐसे नुकसान होते रहता है, और मैं भी कीचड़ में गंदा हो चुका हूँ बारिश में, तो अब मैं भी जाके नहा धो लेता हूँ, और वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।